यहाँ पर ये लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक है। जैसे कोर्स ऑफ एक्शन को हम हिंदी में कहते हैं कार्यवाही। तो इस टॉपिक को हम देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग का। जैसे कोर्स ऑफ एक्शन डालना चाहिए, कौन सा सॉल्यूशन लॉजिकल है, कौन सा सॉल्यूशन लॉजिकल नहीं है, इसमें करते हैं। पिछले कुछ महीनों के दौरान तटीय शहर के बहुत से लोग श्वास संबंधी रोग से पीड़ित हैं, यानी तट पर जो शहर समुद्र के तट पर है वहां पर श्वास संबंधी रोग फैल गया है। श्वास संबंधी रोग से बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? पहला सॉल्यूशन दे रखा है कि प्रभावित लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार को तत्काल स्वास्थ्य व्यवसाय का एक दल भेजना चाहिए, यानी कि टीम वर्क हो रहा है। इसका मतलब ये सही है कि सरकार सबसे पहले एक दल भेजेगी। दूसरा, ऐसे रोगों से पीड़ित लोगों का विशेष वार्ड में रखा जाना चाहिए और उनका उचित इलाज किया जाना चाहिए। अगर उन्हें विशेष वार्ड में नहीं रखा गया तो वो क्या होगा, सारे हॉस्पिटल में वो बीमारी फैल जाएगी, बाकी जो सही लोग हैं उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। इस वजह से उनको एक सही वार्ड में, यानी कि उनके एक उचित वार्ड व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें वो रह सके। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही के महीनों में सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनियों ने हाल ही के महीनों में सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनी से नया टेलीफोन कनेक्शन लेने के इच्छुक लोगों की संख्या में भारी गिरावट हुई है, यानी जो सरकारी कंपनी है टेलीफोन की उससे नया कनेक्शन लेने के लिए लोग इच्छुक नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनियों को इस गिरावट के कारणों का पता लगाने के लिए तत्काल एक समिति स्थापित करनी चाहिए, यानी टीम वर्क हो रहा है। इसका मतलब ये सही है। दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं, नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनियों को योजित मूल्य वाले से बनी योजनाएं पेश करनी चाहिए, यानी ऐसी योजनाएं पेश करनी चाहिए जिसकी वजह से ग्राहक आकर्षित हो। तो ये सॉल्यूशन भी इसके लिए सही है। तीसरा क्वेश्चन देखें, तेज गति से जाते हुए एक ट्रक ने प्रातः काल सड़क के किनारे सोते हुए बहुत से लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि स्थानीय प्रशासन के द्वारा सड़क के किनारे सोने पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। तो ऐसे हमारे सड़कों पर सोते हैं तो उस पर तत्काल प्रतिबंध नहीं लगा जा सकता। जैसे कि अगर कोई सड़क क्रॉस कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है, सड़क क्रॉस करते समय उसका एक्सीडेंट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि सड़क क्रॉस करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो ये इलॉजिकल सॉल्यूशन है, इसको हम अप्लाई नहीं करेंगे। दूसरा हम देखें कि तेज गति से चलने वाले ट्रक ड्राइवर को पकड़कर उस पर किए गए अपराध हेतु न्यायिक कार्यवाही की जानी चाहिए। ये सही है कि उसके लिए न्यायिक जो प्रक्रिया है उससे गुजरना चाहिए, उसको ड्राइवर को दंड दिलाना चाहिए। नेक्स्ट देखें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए उसमें व्यवस्था की आवश्यकता है। अब यहां पर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? व्यवस्था तैयार करने के लिए सरकार को एक तत्काल एक कार्यकारी दल की नियुक्ति करनी चाहिए, यानी टीम वर्क हो रहा है। इसका मतलब ये सही है। दूसरा, सरकार को सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्देश पर पुनर्विचार करने के लिए अपील करनी चाहिए। ये इलॉजिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता आनी चाहिए तो सरकार सर्वोच्च न्यायालय से ये नहीं कह सकती कि आप थोड़ा और टाइम लीजिए, अभी क्या जल्दी है, थोड़ा लेट ऐसा डिसीजन लीजिए, ऐसे अच्छे डिसीजन हमारी सरकार के खिलाफ हैं। ऐसा सरकार पुनर्विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय से नहीं कह सकती। सर्वोच्च न्यायालय पहले ही विचार करके ऐसे निर्देश देता है। नेक्स्ट हम देखें अगला क्वेश्चन। एक स्थानीय स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अस्वीकृत आवेदकों के माता पिता को यह विश्वास दिलाने में कि स्कूल प्राधिकारियों को कठिनाई हुई है, यानी कि जो आवेदन वो स्वीकार करना चाहते हैं या वो स्वीकार नहीं कर सकते, तो उनके माता पिता को स्कूल प्रशासन क्या जवाब देगा, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला सॉल्यूशन है कि स्कूल प्राधिकारियों को आवश्यक संख्या के चयन हेतु विद्यार्थियों को प्रवेश देने संबंधी वस्तुनिष्ठ मापदंड तत्काल दर्शाने चाहिए, यानी कि कोई ऐसी योग्यता दर्शानी चाहिए जिससे उनकी छटनी की जा सके, यानी कि जिन जो आवेदन हमें चाहिए उनको ही लिया जा सके। जैसे कि 500 आवेदन आ रहे हैं, 500 आवेदन आ रहे हैं, 100 आवेदन हमें लेने हैं, तो
टॉप 100 स्टूडेंट है उनको हमें ले लेना चाहिए, जिससे उनको उनके माता पिता को संतुष्टि हो। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, शेष विद्यार्थियों को समावेश के लिए स्कूल प्राधिकारियों को उस क्षेत्र में दूसरा स्कूल खोलने की सलाह देना चाहिए, सलाह देना यानी उन माता पिता को सलाह देना कि हम दूसरा स्कूल खोलेंगे, उसमें आप अपने बाकी बच्चों का एडमिशन करवाइए। ये एक इलॉजिकल स्टेटमेंट है, यानी अगर एडमिशन आपका एक स्कूल में नहीं हो रहा है तो स्कूल प्रशासन ऐसा जवाब नहीं देगा कि आप अपने बच्चों का, अगर इस स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है तो हम आपके लिए दूसरा स्कूल खोलेंगे, उसमें आप बच्चों का एडमिशन कराइए, उसके लिए बहुत टाइम होता है। तो ये इलॉजिकल स्टेटमेंट है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट टाइम देखें, स्थानीय कॉलेज के प्राचार्य ने आदेश दिया कि प्रवेश विवरणिका में कॉलेज प्राधिकरण के द्वारा तय किए गए ड्रेस कोड का सभी छात्रों के द्वारा सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। अब इसका एक सॉल्यूशन दिया गया है कि ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाले छात्रों को कॉलेज से निकाल देना चाहिए। ये इलॉजिकल स्टेटमेंट है, इलॉजिकल सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाले छात्रों को निकाल दिया जाएगा तो प्रत्येक दिन एक न एक स्टूडेंट क्या आता है, विदाउट ड्रेस आता है, जिसकी वजह से एक दिन कॉलेज बंद होने की नौबत पर आ जाएगा। दूसरा सॉल्यूशन दिया है कि पहली बार ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाले छात्रों को डांटा जाना चाहिए और उल्लंघन ना करने की चेतावनी देनी चाहिए। ये एक सही सॉल्यूशन है और लॉजिकल सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर कोई विदाउट ड्रेस आता है तो उस पर पेनल्टी लगानी चाहिए। नेक्स्ट हम देखें, रेलवे ने अगले रविवार को शहर के भीतर मुख्य पटरी की मरम्मत करने का फैसला किया है और पूरा दिन रेलगाड़ियों के आवागमन को स्थगन करने का निर्णय लिया है। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए रेलवे प्राधिकरण को सार्वजनिक अधिसूचना समय रहते निकाल देनी चाहिए, ताकि वो किसी और ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर सके, वो किसी और परिवहन तंत्र का उपयोग कर सके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। उन्हें ये विश्वास ना रहे कि रेलवे उस दिन चलेगी, अगर उन्हें पहले पता होगा, एडवांस में पता होगा यात्रियों को, तो वो अपनी सुविधा अपने अनुसार कर सकते हैं, इसलिए पूर्व सूचना देनी चाहिए। ये सही क्या है सॉल्यूशन है। दूसरा, मरम्मत के दौरान शहर में प्रवेश करने वाली लंबी दूरी की सभी रेलगाड़ियों को शहर की सीमा के बाहर ही रोक देना चाहिए। ये इलॉजिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि जो गाड़ियां बाहर से आ रही हैं या लंबी दूरी की गाड़ियां हैं उनके लिए अलग से रेलवे को अलग से व्यवस्था करनी होगी, उनको हम शहर के बाहर नहीं रोक सकते हैं। ये इलॉजिकल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हम देखें, शहर के भीतर हाईवे पर ड्राइव करने वाले बहुत से मोटर चालक स्वीकार्य गति से कई ज्यादा गति से मोटर चलाते हुए पाए गए हैं। तो पहला क्या है कि पहला सोल्यूशन दे रखा है कि ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को शहर के भीतर हाईवे पर वाहनों के आवागमन की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करनी चाहिए। व्यक्तिगत दूसरे निगरानी पुलिस नहीं कर सकती है, क्योंकि एक वाहन के पीछे एक पुलिस वाला चाहिए, तो वो व्यक्तिगत निगरानी यहाँ पर नहीं की जा सकती है। ये इलॉजिकल स्टेटमेंट है, यानी इलॉजिकल सॉल्यूशन है, कोई तर्क यहाँ पर नहीं है। दूसरा, सरकार को गलती करने वाले चालकों को पहचानने और दंड देने की तत्काल यहाँ पर व्यवस्था करनी चाहिए। ये सही स्टेटमेंट है, जैसे कि सही सॉल्यूशन है, क्योंकि दिल्ली में इसका उपयोग किया जा रहा है। आपकी गाड़ी के फोटो पीछे से खींच लिए जाते हैं और घर पर आपके चालान आ जाता है, तो ये एक सही व्यवस्था है, सही सॉल्यूशन है, अगर कोई स्पीड से ज्यादा गाड़ी चला रहा है। नेक्स्ट हम देखें, एक प्रसिद्ध आरपीओ कंपनी में कार्यरत शहर के कर्मचारियों ने कंपनी के द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार के खिलाफ विरोध स्वरूप अपनी नौकरी छोड़ दी है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, सरकार को आरपीओ कंपनी को अपने परिचालन बंद करने का आदेश तत्काल देना चाहिए। ये गलत स्टेटमेंट है कि सरकार किसी भी कंपनी को बंद करने का आदेश तुरंत नहीं दे सकती है, क्योंकि कंपनी उसमें सुधार कर सकती है, सुधार करने का आदेश दे सकती है, लेकिन बंद करने का आदेश नहीं दे सकती है। दूसरा, आरपीओ कंपनी के उन परिचालनों को जारी रखने के लिए तत्काल अपने परिचालनों को किसी दूसरी जगह पर ले जाना चाहिए। अगर कंपनी के जो सीएमडी हैं और कंपनी के जो डायरेक्टर हैं और कंपनी के जो मेंबर हैं अगर वो अमानवीय व्यवहार करते हैं, तो वो एक जगह अमानवीय व्यवहार करते हैं तो दूसरी जगह भी अमानवीय व्यवहार ही करेंगे। तो अगर एक जगह से दूसरी जगह कंपनी को शिफ्ट किया जाएगा तो भी वो सोल्यूशन नहीं है, तो ये भी यहाँ पर लॉजिकल सोल्यूशन है। नेक्स्ट हम देखें, संस्था के प्रबंधन ने अपने सभी कर्मचारियों को यह बताते हुए परिपत्र जारी किया है कि प्रत्येक कर्मचारी को सुबह 10 बजे ड्यूटी रिपोर्ट करना चाहिए और शाम 5:30 बजे तक अपने कार्यस्थल पर रहना चाहिए। इसका सॉल्यूशन क्या है, समय सारणी का पालन नहीं करने वाले कर्मचारियों की पहचान करने के लिए प्रबंधन को एक व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। ये सही सॉल्यूशन है, जैसे कि आजकल बायोमेट्रिक उपयोग किया जाता है। दूसरा, ऐसे समय सारणी का पालन नहीं करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्त कुछ समय के लिए कर देना चाहिए, यानी इनको दंड स्वरूप कुछ दिन के लिए
उनकी सैलरी काटी जा सकती है या फिर उनको छुट्टी पर रखा जा सकता है अगर वो समय का पालन नहीं करते हैं, तो ये भी एक सही सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हम देखें, पिछले 2 सप्ताह में एक कॉलोनी में डकैती और घरों में चोरी की घटनाओं की बढ़ोतरी हुई है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? वहां की स्थानीय पुलिस को उस क्षेत्र में नियमित निगरानी बढ़ा देनी चाहिए, यानी फिर बार बार पुलिस आती जाए पेट्रोलिंग करती है, तो ये सही सॉल्यूशन है। दूसरा, पुलिस अधिकारियों को इस क्षेत्र के नागरिकों से आग्रह करना चाहिए कि रात में घरों को छोड़कर कहीं न जाए। ये इलॉजिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि पुलिस अगर किसी घर में चोरी होती है तो ये नहीं कह सकते कि आप घरों से बाहर ना निकले, आप घर में ही रहें ताकि आपकी चोरी ना हो। ये पुलिस की जिम्मेदारी है चोरों को पकड़ना, उनको दंड देना या चोरी को रोकना, तो ये इलॉजिकल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम देखें, भारतीय क्रिकेट के मामले में पैसा खेल से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, जैसे कि इसका सॉल्यूशन क्या है? विभिन्न स्रोतों से भारतीय क्रिकेट बोर्ड की कमाई पर भारत सरकार को सीमा निर्धारित करना चाहिए। भारत सरकार बोर्ड की कमाई पर सीमा निर्धारित नहीं कर सकती है, ये लॉजिकल स्टेटमेंट है। दूसरा, विभिन्न स्रोतों से भारतीय खिलाड़ियों की कमाई पर भारत सरकार को सीमा निर्धारित कर देना चाहिए, तो भारत के खिलाड़ियों की कमाई पर भी सरकार सीमा निर्धारित नहीं कर सकती है। धोनी कितने भी पैसे कमा सकता है, विराट कोहली कितने भी पैसे कमा सकता है, क्रिकेट के अलावा एडवर्टाइजमेंट से कमा सकता है, बोर्ड भी कितने भी पैसे कमा सकता है एडवर्टाइजमेंट से या और किसी सोर्स से, गवर्नमेंट कभी भी इन पर सीमा निर्धारित नहीं कर सकती है कि आपको इतने ही पैसे कमाने हैं। नेक्स्ट हम देखें, उत्तरी क्षेत्र में बहुत से लोग जल से उत्पन्न होने वाली बीमारी से ग्रसित हैं, तो पहला सॉल्यूशन क्या दिया है कि नगर निगम को क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सलाह देना चाहिए कि पाइपलाइन द्वारा प्रवाहित किए गए जल का उपयोग पीने के लिए न करें। अगर नगर निगम पाइप के थ्रू जल दे रहा है और वो उसको शुद्ध करके नहीं दे रहा है और उनसे बोल रहा है कि आप इस जल का प्रयोग ना करें, तो ये नहीं है कि वो लोग बिसलेरी की बोतल खरीद कर पानी पियेंगे या वो अलग से खरीद के पानी पियेंगे, तो ये एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। अगर सॉल्यूशन अच्छा होता तो वो पहले से ही पाइपलाइन में जो पानी जा रहा है उसको शुद्ध करके नगर निगम देता। दूसरा सॉल्यूशन देखें, त्रासदी से बचने के लिए क्षेत्रीय अस्पतालों में हाई अलर्ट लगा देना चाहिए, ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर कोई बीमारी बन गई है तो उस त्रासदी से बचने के लिए अस्पतालों में उसके लिए व्यवस्था करनी होगी, हाई अलर्ट जारी करना होगा। नेक्स्ट हम देखें, लोक वितरण प्रणाली के द्वारा वितरण किए गए अनाज की गुणवत्ता कुछ जगह बहुत खराब है और लोगों के उपभोग के लिए ठीक नहीं है, जैसे कि कोई फूड इंस्पेक्टर है और उसके एरिया में जो अनाज आया है वो खराब क्वालिटी का आया है और वो उसे लोगों को बांट दिया गया है, तो हमें क्या करना होगा? वितरण में दिए गए संपूर्ण अन्न भंडार को तुरंत वापस ले लेना चाहिए, ये गलत स्टेटमेंट है। संपूर्ण अन्न भंडार को वापस नहीं लेंगे, क्योंकि कुछ जगह अनाज खराब है, बाकी जगह सही है, इसलिए संपूर्ण अन्न भंडार को वापस हम नहीं लेंगे। दूसरा सॉल्यूशन है, लोगों को सलाह देना चाहिए कि वितरण द्वारा खराब हो गया अनाज वापस दे दे और अपना पैसा वापस ले लें, ये सही सॉल्यूशन है, क्योंकि जो अनाज खराब है उसको वापस कर दिया जाए और उसकी जगह पर सही अनाज दिया जाए। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि तेज गति से आ रहे वाहन ने तेज गति से आ रहे वाहन ने 5 व्यक्तियों को कुचल दिया, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन के लिए लोग हाईवे पर एकत्रित हो गए और यातायात के आवागमन पर रोक लगा दी, तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को आंसू गैस का प्रयोग करना चाहिए, ये इलॉजिकल है, क्योंकि कभी भी पुलिस आंसू गैस का प्रयोग नहीं कर सकती है। दूसरा, पुलिस अधिकारियों को चाहिए कि जन भावनाओं को शांत करें, अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन दे और उस स्थान पर पुलिस बल तैनात करें, ये सही सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हम देखें, एक मकान के ढहने पर 30 लोगों की मृत्यु हो गई, इससे इस इलाके के लोग उत्तेजित हो गए, तो क्या सॉल्यूशन है? सरकार को प्रभावित परिवारों के लिए तुरंत मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए, ये सही सॉल्यूशन है, मुआवजा सरकार देती है ऐसी सिचुएशन में। दूसरा, प्रयुक्त सामग्री में समझौता करने वाले बिल्डरों के विरुद्ध सरकार को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए, तो सरकार जांच करेगी तभी पता चलेगा कि बिल्डरों की कमी इसी की वजह से बिल्डिंग गिरी है या किसी और की कमी से बिल्डिंग गिरी है, तो वहां पर जांच करके बिल्डरों के विरुद्ध सरकार को कड़ी कार्यवाही करनी होगी अगर बिल्डरों की वजह से ये घटना घटी है, तो ये भी सही सॉल्यूशन है।